हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लाइफ में यूज़ होते हैं, उसका यूज ज़्यादा होता है। वो सभी जो कार्बन कंपाउंड है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें से हम पढ़ेंगे यहाँ पे इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉल को इथिल अल्कोहल भी कहा जाता है और इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो बच्चों, इनके बारे में जो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके यूजेस है, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले ये लेक्चर में हम इथेनॉल के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, देखो बच्चों, इथेनॉल जो है उसको इथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। उसका फॉर्मूला है C2H5OH। OH एक अल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर में हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी। चलो तो इथेनॉल की देखते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखेंगे हम उसके कलर के बारे में, जो कि ये जो इथेनॉल है कलरलेस है और रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको हम कहेंगे कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल। देखो इसका जो स्मेल होता है वो प्लीजेंट रहता है, तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे। ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है बच्चों, बहुत लो रहता है, तो वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखना बच्चों, और केल्विन में अगर लिखेंगे इसको तो 351 केल्विन। ओके, देन थर्ड बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। तो आपको पता है कि ये जो अल्कोहल है इथेनॉल जो है वो वाटर में एनी प्रोपोर्शन में हम इसको सॉल्युबल कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहां पे सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन, कौन से भी प्रोपोर्शन में हम इसको वाटर में ऐड कर सकते हैं। और एक बात इसके बारे में याद रखेंगे बच्चों, अगर 5% अगर वाटर हम उसमें ऐड करते हैं तो उसको हम कहेंगे स्पिरिट। क्या कहेंगे? स्पिरिट। अगर वो अल्कोहल अगर 100% होता है, 100% अगर इथेनॉल जो है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये दो तीन बातें इसमें याद रखना। और लास्ट में इसकी बात करते हैं इसके नेचर की। अगर बच्चों उसका नेचर अगर ढूंढना है तो हमें लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करना होगा। जैसे कोई भी अगर लिटमस पेपर हम उसमें करते हैं तो वो न्यूट्रल नेचर दिखाता है। तो देखो बच्चों, ब्लू लिटमस भी चेंज नहीं होता, रेड लिटमस भी चेंज नहीं होता, तो ये न्यूट्रल इन नेचर रहता है। तो ये चार प्रॉपर्टी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि इथेनॉल के बारे में आपको याद रखनी है, लर्न करनी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है 5। कितने हैं? 5, याद रखना। सबसे पहले कंबशन, जिसको हम बर्निंग भी कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है देखो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन, किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेशन करने पे क्या फॉर्म होता है देख लेंगे हम। देन थर्ड प्रॉपर्टी है ये कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, देन डिहाइड्रेशन, इसका डिहाइड्रेशन करने पे क्या फॉर्म होता है देखेंगे। देन फोर्थ है इस्टरिफिकेशन, इस्टर भी फॉर्म कर लेता है। एंड देन फिफ्थ वन है इस्टरिफिकेशन के बाद कंबशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, डिहाइड्रेशन, इस्टरिफिकेशन एंड सोडियम टेस्ट रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ठीक है बच्चों। तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से इस्टर फॉर्म करता है, डिहाइड्रेशन पे क्या होता है, सोडियम मेटल के साथ उसकी रिएक्शन किस तरह की होती है, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले बात करेंगे हम कंबशन की। तो कंबशन बच्चों आपको पता होगा, इसके पहले जो लेक्चर हुए है वो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड जो हमने पढ़ा उसमें ये एग्जांपल लिया था इथेनॉल का, बर्न होने पे क्या देता है, कंबशन माने बर्निंग। तो बच्चों सभी कार्बन कंपाउंड क्या देते हैं? तो कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट,
ठीक है, ये आपको पता है। चलो तो यही कंपाउंड हमें मतलब प्रोडक्ट से आप फॉर्म होने वाले हैं। देखो C2H5OH मतलब इथेनॉल, ये इथेनॉल अगर अब एयर में अगर इसको हम बर्न करेंगे तो O2 के साथ अगर बर्निंग करते हैं तो वही जो मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स जिसको हम स्टेट लिखेंगे G मतलब गैसियस, देन हमें मिलेगा हीट एंड लाइट। ठीक है बच्चों, कंबशन करने पे इसको बैलेंस अगर करना है तो 3 2 2 2 एंड 3 2। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लिया बच्चों, यहाँ पे बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो। ठीक है, तो इथेनॉल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वाटर वेपर हीट एंड लाइट मिलेगी, जो कि हमें यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे हीट एंड लाइट एनर्जी हमें यहाँ मिल रही, मतलब एक एनर्जी गिविंग कंपाउंड है। तो जो भी कंपाउंड अगर बर्न करते हैं या सब्सटेंस बर्न करते हैं वो अगर हमें एनर्जी देता है तो उसे फ्यूल कहा जाता है। तो इथेनॉल जो है बच्चों, इथेनॉल यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल तो कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज्ड एज अ एडिटिव इन अ पेट्रोल, पेट्रोल इसमें पेट्रोल में इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इंडिया ने 5% इथेनॉल को ऐड करने की परमिशन दी है पेट्रोल में। तो बच्चों तो पेट्रोल में ऐड करने से क्या हो जाता है कि जो इमिशन रहता है, इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बिकम लेस। उसमें से अगर कोई कार अगर ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत हार्मफुल गैस रहता है वो अगर इमिट करती है तो उसका इमिशन ये कम कर देता है अगर इसमें हम इथेनॉल ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखेंगे। तो ये जो इथेनॉल है, ठीक है, तो इथेनॉल फॉर्म किस तरह से होता है, तो बच्चों को फॉर्म होता है मोलासेस से। और ये मोलासेस क्या है, तो मोलासेस एक डार्क ब्राउन लिक्विड है, याद रखना डार्क ब्राउन लिक्विड, जो कि शुगर फैक्ट्री में फॉर्म होता है। शुगर फैक्ट्री में कैसे, तो शुगर केन जूस जो रहता है उसमें से उससे क्या फॉर्म करवाते हैं, शुगर फॉर्म करवाते हैं। तो उससे शुगर फॉर्म करने के बाद जो ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर डार्क ब्राउन कलर लिक्विड जो बचता है तो उसको ही मोलासेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोलासेस का क्या करेंगे, तो इसका फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन, इसका फर्मेंटेशन करने पे हमें मिलता है इथेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से इसको फॉर्म किया जाता है। तो ये सब बातें जो है कंबशन के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके बारे में हम याद रखेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कंबशन, जो कि बर्निंग करने पे CO2 वाटर वेपर्स एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट एंड लाइट। ठीक है, इस तरह से ये हो गई पहली प्रॉपर्टी कंबशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छे से। चलो तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंबशन के बाद ऑक्सीडेशन। तो बच्चे ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, अगर ऑक्सीडेशन अगर होता है तो कंबशन करने पे भी ऑक्सीडेशन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो फॉर्म होता है जो कि हमने अभी देखा। तो ये जो ऑक्सीडेशन है इसको बोलते हैं कंट्रोल कंबशन, कंट्रोल कंबशन। ठीक है बच्चों, तो ये किस तरह से होता है, तो देखो बच्चों C2H5OH मतलब इथेनॉल क्या करते हैं, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज किस तरह से करेंगे, तो यहां पे लेना पड़ता है अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पिंक कलर का होता है, ये इधर लिखेंगे पिंक कलर का होता है, ये याद रखेंगे। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इसको ऑक्सीडाइज करता है। तो मतलब हमें ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ से, तो ऑक्सीजन कौन सा, एक मिनट इसको स्ट्रेट लाइन निकालता। ठीक है, तो वो मिलता है हमें नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो जिस नेसेंट ऑक्सीजन को बच्चों इस तरह से ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये प्योर स्टेट रहता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होने से पहले। ओके, प्योर स्टेट कहेंगे हम इसको, प्योर स्टेट बिफोर फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो ये प्रोवाइड करता है ये KMnO4 अल्कलाइन, मतलब KMnO4 और अल्कलाइन मतलब कोई भी बेस अगर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, या फिर और एक यहाँ पे एसिडिफाइड एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिखे, और देखो बच्चों यहाँ पे हमको मिलेगा क्या मिलेगा अगर दो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएंगे तो CH3COOH। तो बच्चों आपको हमने पढ़ा है COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोनिक एसिड का ग्रुप है, कि इसका ये जो ग्रुप है ये फॉर्म करता है CH3COOH, दो कार्बन एटम होने के कारण इथेनोइक एसिड। बच्चे इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक, कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हीट करना होता है, ये भी याद रखेंगे, इसको हीट करना होता है, जो कि जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसको इसको हीट करेंगे अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2 और हमको मिलेगा इथेनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये बात याद रखना, और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, समझो क्या करना है, इसको किस तरह से फॉर्म करना है। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज लेना पड़ेगा, एक तो इथेनॉल और ये अल्कलाइन या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ओके, इन दोनों का लिक्विड इसमें लिया। तो बच्चों इसको वाटर बाथ दी जाती है, वाटर में इसको हीट किया जाता है, तो जो हीटिंग है वो वाटर बात रहती है, और यहाँ पे एक बर्नर जो कि इसको हीट देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको फॉर्म किया जाता है, ठीक है, वाटर बात देके। तो ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर का KMnO4 है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें पोर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर पहले तो ये इथेनॉल रहेगा, इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ये डालेंगे, तो ये जो पिंक कलर है बच्चों, ये पिंक कलर क्या होता है, डिसअपीयर होता है। तो डिसअपीयर क्यों होता है, क्योंकि इसका इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन होकर ये फॉर्म होता है, इसलिए पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। और जैसे हम डालते जाएंगे कंप्लीट कंबशन होने पर वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, तो फिर वो लिक्विड का कलर पिंक का पिंकी रहेगा, वो डिसअपीयर नहीं होगा। तो ये इंडिकेशन होता है कि चलो भैया इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, इथेनॉइक एसिड वहाँ पे फॉर्म। तो बच्चों इसको हम टेस्ट कर सकते हैं इथेनॉइक एसिड फॉर्म हुआ कि नहीं, वो किससे, तो देखो बच्चों हमें वहाँ पे लिटमस पेपर से इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कि एसिड है तो यहाँ पे ब्लू रिच में लिटमस रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें जो है ऑक्सीडेशन के बारे में हम यहाँ पर याद रखेंगे, वो सिंपल है, ओके। देन नेक्स्ट जो है मैंने कहा था कि डिहाइड्रेशन, ठीक है, चलो डिहाइड्रेशन किस तरह से होता है वो भी देख लेंगे यहाँ पे। सॉरी, थर्ड नंबर का है डिहाइड्रेशन मतलब आपको पता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। मतलब अगर इसका अगर डिहाइड्रेशन करना है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, अगर हम इसको इथेनॉल को C2H5OH को अगर हम डिहाइड्रेट करते हैं, क्या करना है इसको हमको, डिहाइड्रेशन। लेकिन डिहाइड्रेशन के लिए हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसको हीट करना होता है 170 डिग्री पे, तो जाके ये डिहाइड्रेट होता है, जो कि ये H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेशन करने पे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, अगर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल अगर रिमूव हो गया तो बचेगा C2H4। तो बच्चों आपको पता है C2H4 क्या है, तो C2H4 है देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम कहते हैं इथीन। तो देखो बच्चों यहाँ पे इथीन हमें मिल जाता है, ठीक है, जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे। तो ये बात यहाँ पे आज याद रखें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है बच्चों, रिमूवल ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जिस जो है एस्टरीफिकेशन। तो बच्चों एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, तो ईस्टर्स फॉर्म होते हैं,
तो स्ट्रेस कब फॉर्म होते हैं? जब इसका अगर डेफिनेशन अगर आपको बनानी है तो किस तरह से बनाओगे? द रिएक्शन इन विच अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इट विल फॉर्म esters. This type of reaction, this reaction is called as esterification. तो इस तरह से इसको लिखेंगे. जो कि हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की, तो हमारा अल्कोहल है इथेनॉल. चलो इथेनॉल के साथ देखते हैं क्या होता है. इथेनॉल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, C2H5OH रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि इथेनॉइक एसिड CH3COOH, इसको रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन इट विल गिव इस्टर्स. तो इस्टर में क्या फॉर्म होगा, देखो यहां पे CH3COO C2H5, जो कि हमने इसके पहले लेक्चर में इस्टर का फंक्शनल ग्रुप देखा था, वो था COO. तो ये फंक्शनल ग्रुप से इस्टर फॉर्म होते हैं. तो जो इस्टर्स होते हैं बच्चों, वो स्वीट स्मेलिंग रहते हैं, याद रखना उसका स्मेल स्वीट रहता है. और इसका IUPAC नामेंक्लेचर भी हमने देखा था. तो बच्चों इसका नाम आएगा इथिल या फिर इथाइल इथानोएट, इथानोएट, ठीक है. तो ये बात हम यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पे जो इस्टर मिलता है इसका नाम है इथिल इथानोएट प्लस H2O, वाटर भी यहाँ पे मिलेगा. तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे होती है बच्चों, ठीक है. तो क्या होता है देखेंगे हम यहाँ पे किस तरह से होता है कि देखो एक समझो टेस्ट ट्यूब है. एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, 1 ml इथेनॉल 1 ml इथेनॉइक एसिड एंड उसमें 2-4 बूंद या फिर 2-3 ड्रॉप्स इसके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड कर देते. तो बच्चों इसको भी एक वाटर बाथ देते हैं, जो कि हमने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन पे इथेनॉइक एसिड जब मिलता है तब देखा था. यहाँ भी क्या कर लेते हैं, एक वाटर बाथ देते हैं इन सब चीज़ों को, और इससे फॉर्म होता है फिर इस्टर, ठीक है. तो ये बात यहाँ पे याद रखेंगे इस्टरीफिकेशन के बारे में. इसकी डेफिनेशन भी देखो कितना आसान बना दिया मैंने, अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव द इस्टर, इट इज कॉल्ड एज इस्टरीफिकेशन, ठीक है बच्चों. और यहाँ पे किस तरह से फॉर्म करते वो भी दिखाया, पूरा रिएक्शन भी देखा. फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है सोडियम मेटल टेस्ट. तो टेस्ट इसलिए इसको इसलिए कहा गया है बच्चों कि देखो अगर इथेनॉल को अगर टेस्ट करना है तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड होगा, जो कि पॉप बर्निंग कैंडल उसके पास लेके गए तो वो पॉप साउंड करता है. तो इस तरह से ये टेस्ट की जाती है. तो क्या होगा, तो C2H5 अगर OH ये इथेनॉल अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या होता है, ये हाइड्रोजन सोडियम रिप्लेस कर देता है. तो देखो यहाँ पे C2H5ONA ये सोडियम इथॉक्साइड नाम कंपाउंड फॉर्म होता है, सोडियम इथॉक्साइड नाम का एक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है. और जो कि हमने बात की कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज्ड होगा जिससे हम बर्निंग कैंडल से उसको टेस्ट करेंगे. तो बच्चों ये हो गई सोडियम मेटल की टेस्ट. तो इसका डिस्क्रिप्शन तो हमें लिखना ही पड़ता है, आपको पता है. इससे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. देन कोई भी अगर रिएक्शन लिखने ना बच्चों, तो उसके पहले उसका डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है बच्चों. तो ये हो गया इथेनॉल के बारे में 5 उसकी प्रॉपर्टीज, एंड सबसे पहले उसके देखा था हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये सब बातें हम इसके याद रखेंगे, और हमने सभी उसमें उसकी केमिकल रिएक्शन देखी, फॉर्मेशन, उसके यूजेस, कुछ कुछ इसमें